अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन थर्ड कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो मैंने इतना पढ़ा तो इसके हिसाब से मैं जितना पढ़ा है उसके हिसाब से फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। सर्कल पर कोई पॉइंट पी है, उस टेंजेंट का नाम जो है वो कह रहे हैं उस टेंजेंट का नाम पी क्यू है। ठीक है, ये कोई टेंजेंट है पर इसका नाम जो असली है वो पी क्यू है। ठीक है, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। सर्कल पे जो पॉइंट है वो पी है और टेंजेंट टेंजेंट का नाम दिया हुआ हमने पी क्यू। ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लिख दी मैंने रेडियस, मैंने बताया था सेंटर से पूरी सर्कल के एंड पॉइंट तक उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस होगी। मीट से लाइन और टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है, कह रहे जो टेंजेंट है ना उस वो मीट होती है इस ओ पॉइंट से एट पॉइंट क्यू पे। ठीक है, तो मैंने क्यू पे इसको मीट कर दिया। ठीक है, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जो ओ क्यू हो गया ना, ये सेंटर को हमेशा सेंटर ओ हमेशा ओ होता है हमारा, ये ओ क्यू क्या होगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ हमें पी क्यू निकालनी है, हमें ये वाली लेंथ पी क्यू निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकलेगी। अब गाइस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो सर्कल है ना और ये जो टेंजेंट है, अगर मैं इस ओ पॉइंट से इस ओ ये जो सेंटर है ना ओ हमारा, इस पॉइंट से अगर मैं सामने जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका, ठीक है, इस पर मैं ऐसे सीधी लाइन बनाऊँ तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम सेंटर ओ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर सीधी लाइन खींचे ना तो वो परपेंडिकुलर होती है ऐसे। ठीक है, पूरी। तो अब क्या हुआ हमारा, अब मैं इससे सेंटर से स्ट्रेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, लाइन खींची मैंने, तो ये परपेंडिकुलर हुआ हमारा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ। तो अब देखो हमारा रेडियस कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर सेंटर, अब ये ओ सेंटर से ये भी तो रेडियस हुई पी तक, ये भी 5 सेंटीमीटर हुई क्योंकि सर्कल की सारी रेडियस इक्वल होती हैं, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये हमारा पाइथागोरस ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये निकाल लूँगा। देखो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ओ क्यू का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड्स के सम का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपो क्या हमारी ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड्स कितनी क्या है हमारी ओ पी, ओ पी या पी ओ कुछ भी कह लो, पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू क्या है हमारा, ओ क्यू है हमारा 12 का स्क्वायर 12। ठीक है, पी ओ क्या है हमारा, पी ओ है 5। ठीक है, क्योंकि रेडियस हमारी 5 दी हुई है इन्होंने। ठीक है, रेडियस 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये पी क्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 12 का स्क्वायर इस 5 का स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 -25 कितना हो गया ये पी क्यू का स्क्वायर। अब 144 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 119। ठीक है, 119 आ गया। तो पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू इज इक्वल टू √119। ठीक है, स्क्वायर मैंने बताया था जब भी स्क्वायर एक साइड से हटता है तो दूसरी साइड रूट आता है और प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो अब इधर माइनस का साइन मैंने लिखा क्यों नहीं था पहले, माइनस का साइन मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हमारी पी क्यू हमारी कोई साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव साइन थोड़ा लिखेंगे तो प्लस √119 तो 119 ही होगा बस। ठीक है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिखा। जब भी स्क्वायर हटता था दूसरी साइड हमेशा, जैसे ये एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है, तो जब भी मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1, 1 के ऊपर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, माइनस मैंने इधर इसलिए नहीं लिखा, मैंने आपको बता दिया क्योंकि पी क्यू कभी भी मेरा ये पी क्यू कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि एक साइड है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो √119 हमारा आंसर। ठीक है, बस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है ड्रॉ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले मैंने ड्रॉ सर्कल का तो मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, कह रहे ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट। ठीक है, दो पैरेलल लाइन, सबसे पहले कह रहे हैं दो पैरेलल लाइन बनानी है सर्कल पे, टू पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू अ सर्कल। ठीक है, कह रहे हैं कोई लाइन बनाओ जो एक टेंजेंट हो सर्कल पे और एक सीकेंट हो,
टेंजेंट मैंने ये बना दी, ठीक है, सीकेंट मैंने ये बना दी, सीकेंट हमेशा दो पॉइंट्स पे काटती है, टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे काटती है, और इसको इसको पैरेलल बना दिया मैंने, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन फोर्थ हो गया। ये ऐसे क्वेश्चंस गाइस पेपर में नहीं आते, बस ये आपका बेस बनाने के लिए है 10.1, ठीक है। क्वेश्चन जो आएंगे वो 10.2 से आएंगे, ठीक है, और थ्योरम जो थ्योरम 10.1 है वो भी नहीं आती पेपर में, बस वो भी आपका सिर्फ बेस बनाने के लिए। अब मैं आपको थ्योरम 10.1 कराऊंगा, ठीक है। बस अब हम देखते हैं थ्योरम 10.1, ठीक है। थ्योरम 10.1 क्या कह रही है गाइस, कह रही है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। देखो कोई सर्कल है, ठीक है, कह रहे हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कोई भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना देता हूँ, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा है कि ये जो सेंटर से जो रेडियस आ रही है ना, वो इसके यहाँ पे ये जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनता है यहाँ पे। कह रहे हैं ये प्रूव करो, ठीक है। इसका गाइस वैसे बेसिकली कोई प्रूव है नहीं, पर जो थ्योरेटिकली प्रूव कराया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकली क्या प्रूव है, जैसे देखो मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल लिया मैंने, ठीक है, उस पर मैंने एक टेंजेंट बनाई, ठीक है, एक टेंजेंट बनाई, ठीक है। अब मुझे यहाँ से मैंने रेडियस वाली लाइन बना दी है ऐसे, ठीक है, मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। अब मैंने कहा कि ये कैसे प्रूव करूँगा मैं, देखो इसका कोई थ्योरेटिकली प्रूफ तो है नहीं, मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको कैसे प्रूव करूँगा, सबसे पहले मैं ना इसको पॉइंट्स मान लेता हूँ ओ, ये एक्स, इसको वाई मान लिया, ठीक है। फिर मैंने ना कोई भी पॉइंट लिया, ठीक है। अब गाइस मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी पॉइंट से, जैसे ये लाइन है, ठीक है, किसी भी पॉइंट से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ना, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो कोई डिस्टेंस है ना इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना हमेशा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चाहे इस पॉइंट से आप इस पॉइंट का ले लो, चाहे इस पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट का ले लो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर आप इस पॉइंट से यहाँ तक आओ, तो अगर आप ऐसे आओगे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग हो गया, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब देखो मैं ना इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ पे ना कोई मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ क्यू पॉइंट, ठीक है, क्यू पॉइंट ले लिया। अब मैं इसको थ्योरेटिकली कैसे समझाऊंगा, देखो अब मैं ओ से क्यू को जोड़ूँ अगर, अब देखो ओ से क्यू का डिस्टेंस देखो ये, अब मैं इस वाली ओ से, अब ये एक्स एक्स वाई जो लाइन है ना, इसका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब ओ क्यू डिस्टेंस ये भी लॉन्ग होगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं ये ऐसे ये कोई डिस्टेंस ले लूँ, ये भी थोड़ा बड़ा होगा। ऐसे मैं अगर इधर ले लूँ, ये भी बड़ा होगा, और इधर ले लूँ, ये भी बड़ा डिस्टेंस होगा। ओ से एक्स वाई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये कटा यहाँ पे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहा है मैंने आपको, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है। इस थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं है, बस यही है, हमें यही थ्योरेटिकली समझाना है। क्या समझाना है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने कोई लाइन ली ओ क्यू, ठीक है, वो जो है वो डिस्टेंस लॉन्ग है, लॉन्गर है, ठीक है। फिर हमने कोई पॉइंट लिया ओ से, ये ले लिया आर ले लिया समझ लो, तो वो भी लॉन्गर है। इसको मैंने पी पॉइंट लिया, जैसे ये ओ पी से बड़ा है ओ आर, ठीक है। तो फिर मैं कोई और पॉइंट लूँगा, जैसे ये मैंने एम ले लिया, तो ओ मैं कहूँगा ओ एम भी ओ पी से बड़ा है, तो हैंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है कि जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। इस थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं है, आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू जो है हमारा बड़ा है ओ पी से, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फिर लिखेंगे ओ आर जो है हमारा बड़ा है ओ पी से, ठीक है, यहाँ ओ पी आएगा, ठीक है। ओ आर जो बड़ा है हमारा ओ पी से, ऐसे ही मैं फिर लिखूंगा ओ एम जो है बड़ा है हमारा ओ पी से, ठीक है। जितने सब हैं सब बड़े होंगे ओ पी से, ठीक है। तो हैंस ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हैंस ओ पी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड ओ, ठीक है। एक्स वाई और ओ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ओ पी, ठीक है, हैंस इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। बस यही था, और कुछ नहीं है। ये थ्योरम कभी भी पेपर में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बस समझने के लिए। समझना क्या है, बस इस थ्योरम में क्या समझना है, जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, इस ये कोई टेंजेंट है, ठीक है। तो सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरफ जो पॉइंट आएगा ना, ये वो मुझे परपेंडिकुलर होगा, बस ये समझना है, और कुछ नहीं। बस यही हर एक्सरसाइज में यही हर बार यूज होगा, ठीक है। क्या याद रखना है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल,
ठीक है, इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, कोई भी टेंजेंट है ना उस सेंटर, सेंटर से जब हम कांटेक्ट करें तो वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और सेंटर को मिलाएं तो वो चीज़ परपेंडिकुलर आती है हमेशा, ठीक है, बस हमें ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है इसमें थ्योरम 10.1 में, ठीक है, तो हमारी 10 पॉइंट थ्योरम 1 भी ख़त्म हो गई, ठीक है।